भागलपुर में भागलपुर पुलिस की अच्छी पहल देखने को मिल रही है। यहां सिपाही ड्यूटी करने के साथ साथ सड़क पर चल रहे राहगीरों को जीवन की रक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश दे रहे हैं। बता दें, धनंजय कुमार पासवान बांका जिला के रहने वाले हैं। उन्होंने वर्ष 2018 में इस मुहिम की शुरुआत की। ड्यूटी के दौरान ड्यूटी अच्छी तरह से करते हैं और सड़क पर दो चक्का और चार चक्का वाहनों को जीवन सुरक्षा का संदेश भी देते हैं। जो बाइक सवार हेलमेट नहीं पहने होते उन्हें जिंदगी अनमोल है इसको समझाते हैं और मुफ्त में हेलमेट देकर जीवन रक्षा का संदेश देते हैं। साथ ही पर्यावरण की रक्षा के लिए एक पौधा भी मुफ्त में देते हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि इस कार्य में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे माता पिता, बड़े भैया, भाभी एवं भांजा सुभाष कुमार है। इन सबों का काफी सपोर्ट मिलता है। ऐसा करने में हमको बहुत ही अच्छा महसूस होता है और यह जो भी हम कार्य कर रहे हैं यह अपने वेतन के राशि से खर्च करते हैं ताकि लोग जागरूक हो जाएं और सड़क दुर्घटना होने पर कम क्षति हो और लोगों की जान बच सके, इसलिए हेलमेट आवश्यक है। हमारा राज्य बिहार थोड़ा पिछड़ा हुआ है तो देख रहे हैं कि बहुत लोग बिना हेलमेट के जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं और एक्सपोर्ट हो जा रहा है, एक्सपोर्टेड कर जा रहा है। तो हमको लगा कि कुछ ऐसा क्यों नहीं करें कि हेलमेट फ्री ऑफ कॉस्ट दें, और हेलमेट का एक बहाना है, अब विशेष क्या है उसको सजेस्ट करते हैं कि आप हेलमेट लेके चल रहे हैं तो आप वाहन में लेके चल रहे हैं, सर में नहीं लगा रहे हैं। इस चीज़ को हम लोग निगरानी कर रहे हैं और अच्छा लगता है निगरानी करने में, ताकि हमारे देश जो है, हमारे बिहार जो है, धीरे धीरे तरक्की करेंगे, है ना। फाइन करने के वजह हेलमेट क्यों दे रहे हैं सर? फाइन करेंगे सर तो हर इंसान को सर बुरा लगता है कि फाइन हो गया, है ना। तो हम लोग सोचते हैं कि इसको हम हेलमेट ही दे देते हैं ताकि अगले बार इसको खुद शर्मिंदगी होगा और ये जो हम वीडियो बना के अगले पोस्ट कर रहे हैं तो दूसरा भी लगेगा कि नहीं वीडियो सही में बना रहे हैं, तो हमको भी पहनना चाहिए फ्री। हमारे पास उतना पैसे नहीं है जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट हेलमेट देंगे, लेकिन एक पहल बना रहे हैं कि नहीं एक आदमी को देंगे, उसे हजारों आदमी देखेंगे वीडियो तो उनको लगेगा नहीं जब सर इतना सा काम कर रहे हैं मतलब दूसरे के लिए, हम लोग स्वयं के लिए क्यों नहीं हेलमेट खरीद के पहने। पौधा भी दे रहे हैं, पौधा सर दे रहे हैं। पर्यावरण जो है ना बहुत टेम्परेचर हाई होते जा रहा है, हम लोग का भी तो कुछ कर्तव्य बनते हैं ना, सरकारी जॉब करते कुछ कर्तव्य तो बनता है ना कि पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए कुछ अहम भूमिका निभाएं। सरकार तो जो कर रहे हैं हम लोग भी थोड़ा सा सोचते हैं कि अपने तरफ से, हम अपने पूरी परिवार के तरफ से पर्यावरण को थोड़ा संतुलित करने के लिए। भागलपुर में कोर्ट में गवाह देने पहुंचा एक युवक लड़खड़ाते कदमों से कटघरे में खड़ा हुआ। गवाह को झूमता देखकर जज साहब को शक हुआ। इसके बाद विशेष लोक अभियोजक उत्पाद दो भोला मंडल को जांच का निर्देश दिया गया और इसकी जानकारी उत्पाद विभाग को दी गई। जानकारी के बाद उत्पाद विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और शराब पीने की पुष्टि की। इस दौरान गवाह ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया, उसने शराब पीने की बात कही। मामला जिले के न्यायपालिका स्थित कोर्ट भवन का है, जहां उत्पाद कोर्ट में गवाह देने या एक शख्स को न्यायाधीश ने जेल भेज दिया। विशेष न्यायाधीश ने शराब पीने के जुर्म में रंजीत सिंह पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। नौगछिया के कांड में गवाही देने के लिए युवक कोर्ट में हाजिर हुआ था, युवक शराब के नशे में धुत था। उत्पाद कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के सामने गवाह को इजलास पर बुलाया गया। गवाह इजलास में खड़ा हुआ तो उससे पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ के दौरान नशे में झूमते गवाह को देखकर पहले शक हुआ, फिर शक की पुष्टि के लिए गवाह से झूमने का कारण पूछा गया। तब गवाह ने बताया कि थोड़ी सी पी ली है। संबंध में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद कोर्ट टू भोला मंडल ने बताया कि नौगछिया में एक मामले में गवाही के तौर पर रंजीत कुमार सिंह की पेशी थी, जहां पर युवक शराब के नशे में पाया गया। शराबी युवक को झूमता देख विशेष न्यायाधीश ने जांच करवाई तो उसके शराब पीने की पुष्टि हुई। शराबी युवक का ब्रेथ एनालिसिस किया गया, जिसमें 82% अल्कोहल पाए जाने पर उसे मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया। हालांकि पूछताछ के दौरान रंजीत ने खुद भी शराब पीने की बात बताई। फिर कोर्ट के आदेश पर रंजीत कुमार सिंह का लाजर किया गया, जिसके बाद न्यायाधीश ने कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया। ये नवगछिया 222 में गवाही को हम नोटिस दिए थे, गवाही आया, डॉग पे चढ़ाए उसको, गवाही कराने के दौरान उसके मुंह से स्मेल आया तो हम लोगों को शंका हुआ कि ये शराब पिया हुआ है। तो हमने अपने स्टाफ के माध्यम से एक्साइज खबर दिया कि ब्रेथ इनलाइजर लेकर के इनका चेक कीजिए तो क्या शराब पिया है कि नहीं, मुंह महक रहा है इसका। उन्होंने गवाह के दौरान यह भी एक्सेप्ट किया कि हमने शराब पिया है। क्या संज्ञान लिया इस पर? तुरंत तत्क्षण उसको ब्रेथ इनलाइजर से चेक किया गया
और उसको लेकर के पुलिस ने गई है। शराब पीने की पुष्टि हो गई ना, शराब पीने के ब्रेथिनलाइजर से चेक किया गया और 82 पॉइंट उसका निकला, शराब पीने की पुष्टि हुई, तब गया मेडिकल में उसको ले। पहले भी कोई रिकॉर्ड है क्या पहले उसके शराब का? उसका तो पहले कोई आपराधिक इतिहास अभी नहीं मना हम लोगों को पता चला है, लेकिन तत्क्षण जो हम लोगों के सामने। लेकिन अब कोर्ट में भी शराबबंदी वाले बिहार में शराब पीकर लोग गवाही देने कोर्ट के इजलास में चढ़ जाता है तो क्या कहना है? ये तो दुस्साहस है, मर्डर है कि 302 मर्डर नहीं करना है, अगर मर्डर कर दे जान बूझ करके तो उसको क्या कहिएगा? मेरा कहना है शराबबंदी है, पूर्ण शराबबंदी है, और उसके बावजूद ही पी के आ जाए तो कानून अपना काम करेगी। इजलास पे गवाही दे, इजलास पे, हाँ इजलास पे गचा भी कि हम पिए हैं, करवाई उसको ले गया पुलिस मेडिकल करवाने के लिए, कानून के अनुसार करवाई, कानून के अनुसार जो प्रोसीजर है उस तरह से कार्रवाई होगी और क्या। भागलपुर शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर सभी टोटो में एक कोडिंग किया गया है। कोडिंग के तहत ही टोटो चालक अपने निर्धारित रूट पर टोटो को चलाएंगे। इसको लेकर भागलपुर के ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने कहा कि लगभग 4000 टोटो में कोडिंग हो गया है, बाकी बचा हुआ जो टोटो है उसमें 3 दिन के अंदर सभी टोटो चालक अपने अपने रूट का कोडिंग करवा ले, नहीं तो जुर्माना के साथ टोटो को भी जब्त कर लिया जाएगा। टोटो का कोडिंग चल रहा था, टोटो का चूंकि रोड टाउन में बहुत सारी गाड़ियां हो गई है टोटो की, तो ज्यादातर तत्र भीड़ लगी रहती है, एक ही रूट में बहुत सारी गाड़ियां चलती है, तो उसके लिए डीएम साहब के दिशा निर्देश पे हुआ कि सभी गाड़ियों का एक कोडिंग निर्धारित कर दें कौन रूट में कौन चलेगा, और उसकी सुविधा अनुसार, इसलिए कि उसका जो आवास है ड्राइवर या ओनर का जिस एरिया में, उस एरिया से चले परिचालन हो, और उसका एक कलर उसका रूट निर्धारित कर दिया जाए। 14 रूट हम लोगों ने निर्धारित किया है, 14 रूट दिया गया है, तो उसमें एक रूट का मैक्सिमम हम लोगों ने 500 रखा था, क्योंकि रोड का भी स्थिति देखना है कि दबाव नहीं पड़े, अत्यधिक जाम नहीं हो, तो उस स्थिति में एक जो रोड नंबर है वो नाथ नगर से जो स्टेशन की ओर आती है उसका तो फुल हो गया, 500 नहीं बल्कि 600 के लगभग हो गया। बाकी जो अभी है उसमें कुछ बाकी हैं, लेकिन इलेक्शन लोकसभा चुनाव के चलते कुछ काम इधर स्लो हुआ था, कोडिंग बंद हो गया था, तो 3 दिन का समय उन्होंने डीएम सर ने दिया है कि 10 तारीख से अपने रूट में जिसका जो रूट तय किया गया उस रूट में ही परिचालन करेगा, तो आज 6 तारीख हो गया, 7, 8, 9 तीन दिन है, तो इस दरमियान में जो भी टोटो चालक से अपील ये है, जो भी टोटो चालक अपना कोडिंग रूट का कोडिंग कराने से वंचित हैं, जो नहीं कराए हैं, वो इस 3 दिन का ही उनके पास समय है, इसमें आके वो ये तुलका मांझी बस डिपो में इसका कोडिंग होता है वहाँ आके अपना रूट लें, और रूट जो बचा रहेगा उसी में दे पाएंगे। अब सारा चीज़ चेक होगा, ये नहीं कि ये इसी रूट में हमको दिया जाए और फलाना, उस रूट में जो जहाँ बाकी है उसमें प्रायोरिटी के हिसाब से पहले 500 हो जाएगा, फिर दूसरा आदमी जो रूट बचेगा उसमें से दिया जाएगा। इस प्रकार से 3 दिन में सबको रूट दे देंगे और 10 तारीख से उसी रूट में उस गाड़ी का परिचालन होगा जो रूट उनको तय किया गया है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050199341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है।
पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। पीरपैंती थाना क्षेत्र के बाखरपुर गांव से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शंकर मिश्रा के घर से हथियार बरामद किया। थाना पुलिस को जानकारी हुई थी कि विजय शंकर मिश्रा अपने घर पर भारी मात्रा में हथियार छुपा कर रखा है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विजय शंकर मिश्रा के घर से जब तलाशी ली तो घर से अवैध हथियार के साथ चाकू को जब्त किया और पुलिस पता लगा रही है कि यह हथियार कहां से आया और किस मकसद से अपने घर में उन्होंने हथियार को छुपा कर रखा था। इसकी जानकारी कहलगांव अनुमंडल पुलिस उपाध्यक्ष तो अर्जुन कुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर दी। गुप्त सूचना मिली रात को 11 बजे, तो गुप्त सूचना के सत्यापन के लिए टीम बनाकर जब इनके घर को भेजा गया, लगभग 11:30 बज रहा था, तो इनके घर पर ये थे और ये भागने का प्रयास किए लेकिन भाग न सके। फिर हम लोग सर्च किए तो चौकी के नीचे एक 12 बोर का एक नली बंदूक और 25-12 बोर का कारतूस और 2 लोहे की चाकू पाया गया। पूर्व में भी सर आपराधिक इतिहास रहा? पूर्व में इनका आपराधिक इतिहास है। पीरपैती थाना, मिर्जा चौकी, झारखंड थाना और पुनः पीरपैती थाना और बाखरपुर में शराब के साथ पकड़े गए थे। सर हथियार पिछले तीन बार ये मतलब आर्म्स एक्ट के ही केस में जेल जा चुके हैं और ये पांचवें बार ये फिर आर्म केस में आज जेल जा रहे हैं। और रखने के कारण पूछने पर ये बताया कि हमें हमारे लाइफ को खतरा है, क्योंकि मैं बहुत पहले पत्थर उद्योग से जुड़ा हुआ था और अब तो मतलब उद्योग से जुड़े नहीं हैं लेकिन अपने गोतियों से झगड़ा है। भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव प्रखंड स्थित बुद्धूचक थाना क्षेत्र के एक डारा गांव के लोग शराब व दबंग प्रवृत्ति के लोगों से काफी परेशान हैं। एक डारा गांव की रेखा देवी पति मदन साह बताती है कि विगत 4 मई को रात्रि करीब 8 बजे मेरा बड़ा लड़का मिल्टन साह अपने दरवाजे पर बैठा था, तभी गाँव के ही सोनेलाल साह का पुत्र धतूरी उर्फ अमित साह अपने माता पिता भाई और अन्य लोगों के साथ आया और मेरे पुत्र को घर से उठाकर जैनू साह के घर के पास ले जाकर बड़े ही निर्मम तरीके से पीट कर लहूलुहान कर दिया। वहीं पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि आए दिन दबंग लोग शराब पीकर गाली गलौज भी करते हैं पर स्थानीय थाना पुलिस इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती। वहीं पीड़ित रेखा देवी ने मारपीट के साथ उक्त लोगों पर छिनतई का भी आरोप लगाया है, हालांकि मारपीट का मूल कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बहरहाल इस मामले को लेकर स्थानीय थाना में शिकायत दर्ज कर ली गई है और बुद्धूचक थाना अध्यक्ष ने कहा है कि उचित जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक्शन लिया और झगड़ा हुआ इसका पता पिताजी को मारा उसने उससे एक्शन लिया था हमको बेटा ने, इससे कोई मामला नहीं। ये ऊपरी झूठे अपने आप का ये मामला ले लिया है झगड़ा करने का। एक बार नहीं 3 बार हो चुका हमको बेटा को सबको मारा, मेरा भतीजा भी मारा है, जयदा को भी कपार भंग दिया न धतूरी सा ने और मेरा दोनों बेटा भी फाइटर से मार के ऐसे किया है। कौन धतूरी सा मारा था? हाँ धतूरी सा मारा है सोने सा। और आपको भी सुने घसीट के ले गया था? मेरे भी गेट पर से घसीट के ले गया सोने सा, सोने सा घसीट के ले गया था। मारा पिटा भी था? मारा पिटा लाठी से मारा है सोने सा। गल्ला के भी घींच लिया है। क्या क्या ले लिया था? गल्ला का चक्की था ठन्नी भर का वो घींच लिया, कान में था तो टोपस वो भी घींच लिया। थाना तापड़ भी कोई एक्शन नहीं लिया? एक्शन अभी कोई चीज का नहीं लिया है। और काउंटर केस कैसे ले लेता है? उसके तरफ से काउंटर केस ले लिया? हाँ काउंटर केस लिया, उसको पकड़ के भी रखा भी, पैसा लेकर को छोड़ देता है, काउंटर केस भी ले लेता है। उसने हम वहाँ बैठे थे ऐसे आया वो सब जबरदस्ती मारने मारते हुए लेके घिसते हुए यहाँ से लेके गया उधर। कौन मारने लगा था? धतूरी साहु है और सोनेलाल साहु है और उसका लड़का है। किस बात पे विवाद हुआ था? वो जयवा से पहले विवाद हुआ था 5-6 महीना पहले। क्या चीज का विवाद था? अरे बच्चा को मारा था स्कूल में तो हमारे पिताजी जी को मार दिया। वो मारने के बाद वो आया गया पापा समझाने के लिए वहाँ, तो पापा के ऊपर हाथ उठा दिया, हाथ उठाया तो उससे हमसे झगड़ा था। वो इस सब बिना मतलब का ले लिया अपना सिर उसका झगड़ा। देखिए मामला यही है कि ये लोग जो आता है ना सर बस दारू पीता है, 4-5 लड़का। कौन कौन है 4-5 लड़का? अरे वही सोनेलाल का लड़का लोग आता है और बस गाली दे के बहुत था। और हम लोग क्या बताएंगे, बस ये लोग देखता है बस अपना बढ़िया दिखाने लगता है। हाँ उसके सामने कुछ बोल नहीं सकता हम लोग, क्या पिया खाया हम लोग क्या बोलेंगे।
हैं, लेकिन गार्जियन को भी चाहिए कम से कम कि भाई हमारा लड़का अगर गलती कर रहा है तो गार्जियन पकड़े। ये गार्जियन भी वही है, गार्जियन भी कुछ नहीं बोलता उसका, गार्जियन भी कुछ नहीं बता रहा है। गार्जियन अगर बताएगा तभी, गार्जियन अगर बताएगा तभी ना कि हमारा बच्चा गलती करता था चलो हम समेट लें, वो भी नहीं। ये शुरू किया है काम और इसमें सब उसका वीडियो इसमें टेप है सर, जितना बार भी किया 4-5 बार हो गया, लेकिन पुलिस थाना जो जब प्रशासन आता है लेकिन वही होता है कि रोड शो करके चला जाता है मामला सर। वो जबरदस्ती जो है बेवजह मेरे बेटा सबको घसीट के मारता है सर। कौन मारता है? सोनेलाल सा का बेटा धतूरी सा, आशीष सा भी वो सब रहता है, उसका भाई है टोनी है, और दारू पिला करके 2-4 साथी को साथ में लेके आता है और जो है जहाँ तहाँ अकेला देख करके मारता है। भागलपुर के सबौर प्रखंड के सरधो गांव में पहाड़ी बाबा स्थान में विगत 1 अप्रैल से रामकथा का भव्य आयोजन हो रहा है। रामकथा ज्ञान समारोह सनातन धर्म विद्यापीठ ट्रस्ट मंदारपुरी बिहार के परम श्रद्धेय आचार्य श्री ओम प्रकाश जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। रामकथा ज्ञान के 6ठे दिन बड़ा यादगार रहा, जब श्री रामचंद्र जी अपने समस्त भ्राता संग शिक्षा ग्रहण करने गुरुकुल जाते हैं तो अपने परिवारजनों से भिक्षा मांगने का प्रसंग बड़े ही मार्मिक ढंग से आचार्य ने प्रस्तुत किया। इस प्रसंग में हजारों माता बहनों की आंखें नम हो गई। साथ ही आज का कथा ज्ञान समाप्ति के समय ऐसा भजन और गीत हुए कि लोग झूमने को मजबूर हो गए, जिसके बाद आरती के साथ प्रसाद वितरण हुआ और सबों ने एक स्वर में कहा कि इस तरह की रामकथा ज्ञान अगर हो तो रात्रि का पता भी नहीं चलता। रामकथा ज्ञान का श्रवण करने दूर दराज से हजारों लोगों की भीड़ पंडाल में दिखाई दे रही थी। मीठे मीठे कसारी के साथ बोलो श्री राम माता की।